किशनगढ़ बास बाईपास स्थित विधायक कार्यालय पर ग्राम तरवाला के दर्जनों ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में विधायक दीपचंद खैरिया से मिले। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक ने बताया कि गांव तरवाला के दर्जनों ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि तिलकराज के नेतृत्व में विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया से मिले एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बिजली घर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे से दूर होने के कारण गांव में बिजली का अभाव बना हुआ है, जिससे पीने के पानी में पशुओं के लिए पानी का भी टोटा बना हुआ है। ग्रामीणों ने विधायक से जल्द ही स्वीकृत बिजली घर का कार्य शुरू कराने की मांग की है, जिस पर विधायक दीपचंद खैरिया ने जल्द ही कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच पप्पूराम, हरिराम, लाल सिंह, डालचंद, वेदराम, काशीराम, रूपराम, गिरिराज, सिराधना, पप्पी रहीसा, काशीराम, देशराज, मुकेश रहीसा, प्रेम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सही लेकर आए, श्री गांव के लिए आए थे यहाँ पे। हमारे यहाँ बिजली घर नहीं है जी, तो बिजली घर के लिए साफ करने मिलने के लिए आए। क्या कहा? गांव अंधेरा में बैठे 48 घंटा में बिजली आती है। जब लाइन फॉल्ट हो जाती है तो दूर से लाइन आती है, नंगड़िया से, ककराली से आती है। तरवाला में बहुत ज़्यादा भारी समस्या है। अब क्या आश्वासन दिया एमएलए साहब? एमएलए साहब ने कहा है कि मैं करूँगा। बिजली घर को 15 साल से प्रयासरत था और इतनी समस्या है गाँव में कि जो कि 48 घंटा लाइट ना आया, दूध भी ना मिले, घनी बात तो के पानी का पैसा एड और खड़ा रहे हैं। और अब हमारा तीसरी बार सेंक्शन हुआ है राज्य सरकार। किशनगढ़ बास से पब्लिक वाइब के लिए सुनील कांत गोल्डी की रिपोर्ट।